चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का, ठीक है। तो पहली न्यूज आप हेडिंग बना लीजिए, रेडक्लिफ रेखा के 75 साल पूरे हुए। रेडक्लिफ रेखा के आज 75 साल पूरे हुए। देखिए पेपर के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि रेडक्लिफ रेखा किन देशों के बीच है, इसकी थोड़ी सी हम आपको स्टोरी बताते हैं कि क्या है रेडक्लिफ रेखा। जब 15 अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो भौगोलिक सीमा तय करने के लिए दो प्रांतों की, जैसे इधर आपको पता है बांग्लादेश था, मतलब पाकिस्तान ये भारत ही पहले था इधर, और इधर पंजाब प्रांत की अगर हम बात करें, यहाँ एक बाउंड लाइन खींचनी है कि यहाँ पर लाइन खींचनी है, इसी दो लाइंस को हमने रेडक्लिफ नाम दिया था। क्यों? क्योंकि ये वाला क्षेत्र मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और इधर के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, कुछ एरियाज हैं जो मुस्लिम बाहुल हैं। तो पंजाब में जो पश्चिमी पंजाब है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और पूर्वी पंजाब जो है वो भारत का हिस्सा बनेगा। तो पंजाब के बीच से जो रेखा गई है उसी को हम नाम देते हैं रेडक्लिफ रेखा। इधर जो पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश के बीच में जो रेखा है उसे भी रेडक्लिफ रेखा दिया जाता है। तो ब्रिटिशर्स का एक वकील था जिसका नाम था सिरिल रेडक्लिफ, उसी ने इसकी अध्यक्षता की थी। लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ के वायसराय हुआ करते थे, लॉर्ड माउंटबेटन ने उसी की अध्यक्षता में इस भौगोलिक सीमा को तय करने का काम दिया था। तो इसी वजह से इस लाइन को हम कहते हैं रेडक्लिफ। एक्चुअली ये 12 अगस्त को उसने फाइनल कर ली थी, लेकिन 17 अगस्त को उसने इस लाइन को डिक्लेयर किया था सबके सामने। तो इसलिए पूछा जाता है कि कितने साल, तो उसके 75 साल पूर्ण हो गए, इसलिए ये न्यूज़ बन गई आपकी कि रेडक्लिफ रेखा के हुए 75 साल पूर्ण। तो इसलिए कुछ बातें इसके बारे में लिख लीजिएगा। पहला तो 75 साल पूर्ण हुए, दूसरा ये लिख लीजिए 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक भौगोलिक रेखा खींची गई जिसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। कुछ और लाइंस स्टेटिक के हिसाब से आप अगर पढ़ना चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं, जैसे भारत के साथ ही अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है वहाँ पर एक लाइन खींची गई है मैक मोहन। तो पूछा जाता है किन देशों के बीच है, तो हमारा आंसर होता है भारत और चीन के बीच में है। तो मेन है क्या अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, तो आप लिख लीजिए। इसका भी अगर सन लिखना चाहें तो 1914 लिख देना। तो दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट है मैक मोहन, लिखिए भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। उसके बाद थर्ड जो लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है वो डूरेंड लाइन या डूरेंड रेखा है। देखिए इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान से मिलता है, लेकिन ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में भी मिलती है, क्योंकि हमारी जो इस समय ये सीमा है इस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा। जैसे इस तरीके से अगर हम देखें बना हुआ है, ये वाला एरिया POK बोला जाता है, इधर वाला एरिया COK बोला जाता है, पाकिस्तान अक्साइज कश्मीर और चाइना अक्साइज कश्मीर, ठीक है। तो इस वजह से ये कभी कभी कुछ बुक्स में ये लिख देते हैं कि नहीं वो तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन वो उनके कब्जे में, हमने उन्हें क्षेत्र अपना ऑफिशियली सौंप नहीं दिया है। इसलिए कभी भी पूछा जाए कि डूरेंड रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो हमारा आंसर होता है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। तो लिखेंगे डूरेंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच। एक पेपर में और पूछी जाती है 38th पैरेलल लाइन या 38वीं समांतर रेखा, ये अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं। तो इसे लिखेंगे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच।
एक पूछते हैं अक्सर वो 17th पैरेलल लाइन 17वीं समांतर रेखा, तो इसे लिखेंगे दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के बीच, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के बीच। और एक लाइन है ब्लू लाइन, ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के बीच, लेबनान और इजराइल के बीच। लेबनान और इजराइल के बीच जी। अच्छा सुन लो, ये एक्चुअली क्या, यहाँ पर जब चीन पर एक व्यक्ति का शासन था, आपने सुना होगा माओ का शासन चलता था, ठीक है, या उसी ने यहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना की है, तो उसने पाम थ्योरी दी थी, पाम थ्योरी, पाम थ्योरी। और ये पाम थ्योरी क्या, जैसे हमारी हथेली होती है उसमें 5 उंगलियाँ होती हैं, और इस 5 उंगलियों में उसने अपने 5 स्थान अपने बताए हैं, ठीक, कौन कौन से बताए, पहले तो ये जो सीओके में वो कब्जा कर रखा है उसने वो अपना एरिया बताता है, पहला ये हो गया। दूसरा तिब्बत को अपना कहता है, ठीक, तीसरा अरुणाचल प्रदेश को अपना कहता है, उत्तराखंड में एक एरिया है उसे अपना कहता है, और एक हिमाचल प्रदेश में एरिया है उसे अपना कहता है। तो वो चीन ये दावा करता है कि ये क्षेत्र हमारे हैं, समझे, तो इसी को 5 फिंगर थ्योरी भी कहा जाता है, इसी को पाम थ्योरी भी कहा जाता है। कारण ये ऐसा रहता है कि जैसे जिस तरीके से वो हिस्टोरिकल दावा करता, अगर इस तरीके से हम लोग हिस्टोरिकल दावा करने लगें तो भारत का ही म्यांमार है, क्योंकि आप पढ़ेंगे 1937 में 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में हम लोगों से बर्मा अलग हुआ है। अफगानिस्तान भी अगर हम लोग अपना थोड़ा सा देख लें, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम अगर आपने सुना हो, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिले थे अफगानिस्तान के प्रांत, क्योंकि जब जो सेनापति था सिकंदर का, सेलुकस निकेटर का नाम सुना हो, उसने अपनी बेटी हेलेना का विवाह किया चंद्रगुप्त मौर्य से, तो उसने अफगानिस्तान के 4 जो प्रमुख प्रांत थे उन्हें दहेज में दिया था। तो इस तरीके से जो वो दावा करता है वो उसका एकदम गलत दावा है, और उसी बेसिस पर वो ये कहता है कि ये प्रांत हमारे हैं, उन्हीं को हम पाम थ्योरी या 5 फिंगर थ्योरी नाम से जानते हैं। तो उसी बेसिस पर वो सीओके को अपना बताता है, उत्तराखंड का एक एरिया है उसे अपना बताता है। जैसे आपने सुना हो इस समय कि हमारे उत्तराखंड में जो है वो कई गांव खाली करवा के हमारी आर्मी तैनात कर दी गई है इस समय। कारण उसके पीछे क्या है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो, जैसे ये मत सपोज करिए बाउंड्री है, उसमें रूल ये होता है कि इस एरिया का आप तक आप सेव करेंगे कि आपकी आर्मी यहाँ तक मूव ऑन करेगी, हमारी आर्मी यहाँ तक मूव ऑन करेगी, तो ये बाउंड्री हमारी बरकरार रहेगी। लेकिन उनकी जो आर्मी है वो यहाँ तक लगभग मूव ऑन कर रही है, जिसकी वजह से खतरा बढ़ा और उसकी वजह से सेनाएँ तैनात की गई। उत्तराखंड वाले एरिया में ऐसा मिला। अरुणाचल प्रदेश को तो उन्होंने अपने मैप में ही दिखाया है, ऐसा हम आगे आपको पढ़ाएंगे भी, क्योंकि जून शायद की न्यूज़ में ऐसा सब आया था कि कई ऐसे एरियाज हैं जिन्होंने उन्होंने अपने मैप में दिखा लिया। इसी तरीके से जो पीओके वाला प्रांत है वो पाकिस्तान ने अपने उसमें दिखा दिया है कि ये हमारा प्रांत है। तो यही इस तरीके के विवाद हैं, इसी को हम कहते हैं फिंगर, ठीक है, विवाद के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया यहाँ पर इसका। अब आगे एक वन लाइनर न्यूज है, क्योंकि ऐसा पेपर में अक्सर क्वेश्चन रहता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जो बनते हैं नए उनके बारे में अक्सर वो पूछ लेते हैं। तो आप लिखेंगे एक केन्या के नए राष्ट्रपति विलियम रूटा बने, केन्या के नए राष्ट्रपति विलियम रूटा, विलियम रूटो, रूटा नहीं है रूटो। अच्छा ये भी पूछा जा सकता है इन्होंने किसे हराया, तो हराया जो है वो रेला ओडिंगा को, रेला ओडिंगा को हराया, ठीक। देखिए ये बहुत कम माइनर वोटों से ही जीते हैं विलियम रूटा जो हैं रेला ओडिंगा को, और रेला ओडिंगा काफ़ी दिन से वहाँ पर राष्ट्रपति के पद पर थे।
और इन्होंने, लेकिन विलियम रूटा ने एक अच्छी पहल की है, जितने विपक्षी दल हैं उन सबको एकजुट करके देश में शांति व्यवस्था का प्रयास किया है, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में इसमें विरोध प्रदर्शन चल रहा है और हम कहें कि दंगे वगैरह चल रहे हैं, तो इस तरीके की एक्टिविटीज वहाँ हो रही है, इसलिए केन्या बहुत न्यूज़ में है। हम लोगों को केवल इतना याद रखना है कि वहाँ नया इलेक्शन हुआ है, अब विलियम रूटा नामक व्यक्ति जो है वो नया राष्ट्रपति बन गया है, पहले जो नाम था वो था रेला ओडिंगा। केन्या इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि केन्या के साथ हमारे राजनीतिक संबंध अच्छे हैं और वहाँ पर आपको पता है कई तरीके के जो आवागमन भी लगे रहते हैं और कई तरीके के वहाँ पर मीटिंग्स या बैट कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हुआ करती हैं, तो केन्या अक्सर न्यूज में रहता है। ठीक, वन लाइनर न्यूज हैं कुछ, ठीक है, देखिए हम डिटेल न्यूज ही पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि वन लाइनर न्यूज की ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है, तो सैटरडे संडे हम कोशिश करेंगे कि डिटेल न्यूज पर ज़्यादा फोकस करें जो आपके कॉन्सेप्चुअल हैं, बाकी में आपके थोड़ा वन लाइनर न्यूज जो रहती हैं उन पर। एक नया न्यूज और लिखेगा, सुल्तान अजलन शाह, सुल्तान अजलन शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष, सुल्तान अजलन शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन 2 साल बाद मलेशिया के इपोह में किया जाएगा। इपोह में, पहली बात तो एक बात याद रखेंगे कि सुल्तान अजलन शाह जो है ये कप जो होता है, पुरुष हॉकी टूर्नामेंट होता है, ये अक्सर मलेशिया में ही होता है, ठीक है, यह हम कहें मलेशिया का ही है, तो ये 2 साल बाद किया जा रहा है, इसलिए 2019 में ये हुआ था और कोविड की वजह से ये 2 साल से नहीं हो रहा है। भारत को फाइनल में दक्षिण कोरिया ने परास्त कर दिया था, तो ये बात भी लिख लेंगे, मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। लेकिन आखिरी बार ये 2019 में हुआ था, तब फाइनल में दक्षिण कोरिया ने भारत को हरा कर खिताब जीता था। इस बार के कुछ फैक्ट लिख लें, टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार रहे हैं। लेकिन आज तक सबसे अधिक बार अजलन शाह टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ब्रैकेट में लिख देना 10 बार, 10 बार जीता। एक मंकी पॉक्स चल रहा है, उसके वेरिएंट्स क्योंकि पूछ लिए जाते हैं पेपर में, तो आप अगली न्यूज लिखेंगे मंकी पॉक्स वेरिएंट। के नाम बदलकर WHO ने फर्स्ट, सेकंड ए और सेकंड वी ये रखे हैं। ये मंकी पॉक्स वेरिएंट के नेम है, फर्स्ट है, सेकंड ए और सेकंड वी। किसने रखे हैं ये भी लिख देना, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, WHO ने रखा है, WHO ही रखता है। अभी हाल में सबसे पहला केस जो इसका मिला था वो यूनाइटेड किंगडम में मिला था, ये भी लिखेंगे क्योंकि पहला केस कहाँ मिलता है ये अक्सर पूछा जाता है। व्यक्तिगत रूप से मैं इसका पहला केस नाइजीरिया में है, लेकिन वायरल के रूप में इसका पहला केस यूनाइटेड किंगडम में है, लिख लेना, व्यक्तिगत रूप से इसका पहला केस नाइजीरिया में है, परंतु वायरल बीमारी के रूप में पहला मामला यूनाइटेड किंगडम में है।
कभी कभी कुछ डेट्स पूछते हैं, एक डेट लिखेगा 23 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था। 23 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था। इसे 23 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक आपातकाल घोषित किया गया। तो मंकी पॉक्स के बारे में इतना ही आपको जानना है। यूनाइटेड किंगडम में पहला वायरल बीमारी, व्यक्तिगत मामला नाइजीरिया में है। इसके वेरिएंट के नाम फर्स्ट, सेकंड ए और सेकंड बी। इतनी बातें आप जानेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कभी कभी पूछते हैं कैसी बीमारी है, तो वायरल बीमारी है। अगला न्यूज लिखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों को सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों को 107 वीरता पुरस्कार देने को मंजूरी दी है। 107 वीरता पुरस्कार देने को मंजूरी दी है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय सेना का एक कुत्ता है एक्सल, इस बार उसे भी मरणोपरांत वीरता पुरस्कार दिया गया। नाम लिखेंगे, भारतीय सेना का एक कुत्ता है एक्सल को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगली एक न्यूज बनाएंगे, INS सिंधु ध्वज। अक्सर ऐसी बातें पूछ लेते हैं कि कौन सा रिटायर किया गया है या कौन सा सिप शामिल किया गया है, तो इसे लिखिए, 35 साल की सेवा के बाद सेवामुक्त कर दिया गया है। 35 साल की सेवा के बाद सेवामुक्त कर दिया गया है। इसे किसने निर्मित किया था, तो लिखिए, ये रूस द्वारा निर्मित था। हमने रूस से लिया था इसे, ये रूस द्वारा निर्मित था। बस इतना ही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगली न्यूज लिखेंगे, ये शिप हैं, शिप होते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए, नेवल शिप हैं ये, इन्हीं पर हमारी नेवी तैनात होती है जो हमारी समुद्री सीमाओं को सुरक्षा देती है। जैसे सपोज करो ये भारत है और यहाँ पर अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी में 12 नॉटिकल मील तक ये तैनात आपको मिलेंगे, ठीक है। 24 नॉटिकल मील तक ये गश्त करते मिलेंगे। मतलब क्या है कि समुद्री सीमा से, जैसे आपको पता होना चाहिए मुंबई का में जो हमला हुआ था वो आतंकवादी समुद्री सीमा से आए हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से, अब फिर समुद्र में हमारा बहुत ट्रेड होता है उसकी सुरक्षा के लिए, इस तरीके से जो शिप है, नेवल शिप हैं वो हैं ये, सुरक्षा के लिए भारत की समुद्री सीमाओं को सुरक्षा देते हैं, उसी को हम कहते हैं सिंधु, INS सिंधु। ये पनडुब्बी है एक तरीके की, आप समझिए पानी के अंदर रहती। अगली न्यूज लिखेंगे,
जी आगे लिखे, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, उत्तर प्रदेश एससी एसटी कमीशन, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग। इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका नाम है असीम अरुण, असीम अरुण। बहुत चर्चा में था क्योंकि एसटी का हमारे यहाँ बहुत से ऐसे पद हैं जो अहम पद हैं वो खाली हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी चर्चा में था। ठीक है, तो केवल अध्यक्ष का ही नाम याद रखना है एससी एसटी कमीशन, बाकी एससी एसटी के बारे में आप जानते ही हैं। एक अगली न्यूज लिखेंगे, ग्राम रक्षा गार्ड योजना, ग्राम रक्षा गार्ड योजना, ग्राम रक्षा गार्ड योजना। पहले समझ लेंगे, फिर केवल एक लाइन ही लिखनी है न्यूज में। जैसे हमें पता है कि जम्मू कश्मीर वाले एरिया में आतंकवादी आते हैं या जो सेना दूसरे देशों के लोग आते हैं और आराम से वहाँ यहीं के निवासी लोग अपने घरों में आराम से रख लेते हैं, तो गार्ड रक्षा योजना पूछा यही जाएगा कि किस राज्य में स्टार्ट की गई है, तो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट की गई है। यहाँ पर यहीं के लोगों को, आपको बताया इसमें जैसे हर गाँव में एक मंडली, एक सभा या ग्रुप टाइप का बना दिया जाएगा जो अपनी गाँव की रक्षा के लिए जिम्मेदार हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि उन लोगों का हम लोग भरोसा भी जीत लेंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसे बुनियादी ढांचा कहते हैं या संरचनात्मक विकास कहते हैं, उसे नुकसान जो वो लोग पहुँचा देते हैं तो उसकी सही जानकारी मिल जाएगी कि उसे कौन नुकसान पहुँचा रहा है और किसी बाहरी व्यक्ति को कौन शरण दे रहा है, ये सब जानकारियाँ हम लोगों तक आसानी से पहुँच जाएंगी। तो इसलिए यही पूछा जा सकता है कि कहाँ शुरू की गई या किस राज्य में शुरू की गई, तो हम लिखते हैं दो तीन बातें, इसका उद्देश्य क्या है, और पहली बात लिखते हैं किस राज्य में है। तो लिखिए, ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 जम्मू कश्मीर राज्य में लागू की गई है, जम्मू कश्मीर राज्य में लागू की गई है। इसका उद्देश्य स्वयं की भावना पैदा करने की दृष्टि से, इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, इसका उद्देश्य स्वयं की भावना पैदा करने की दृष्टि से सीमाओं के साथ साथ जम्मू संभाग के गहन क्षेत्रों में चिन्हित गांव में स्वयंसेवी सशस्त्र नागरिकों के एक छोटे समूह को संगठित करना, केवल आपको इतना याद रखना है कि ये 15 अगस्त से लागू की गई है और जम्मू कश्मीर की योजना है, इसमें केवल इतनी बातें बताई गई हैं कि जैसे सपोज करो ये गांव है, इसी में हम सशस्त्र, उन्हें हम शस्त्र बाकायदा देंगे और उन्हें सैलरी जैसे नहीं सेना के लोग होते हैं उसी तरीके से ट्रेंड करेंगे, बस वो उसी गाँव के होंगे और उन पर गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी रखी जाएगी, उन्हें इसके लिए प्रशिक्षण वगैरह दिया जाएगा। इससे ये माना जा रहा है कि उस गांव की ठीक से रक्षा हो जाएगी और उस पर ठीक से मजबूती, एक हमारा सुरक्षा गार्ड स्थाई हम कहें या स्थानीय तैयार हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि हर गाँव में अब पुलिस के लिए ही मुखबरी के लिए कुछ लोगों को तैनात किया जाता है, जैसे शायद पुलिस मित्र या करके कुछ कहते हैं, और उस गाँव में कुछ भी हो रहा होता है तो वो लोग उसे इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसा हो गया है या यहाँ पर ऐसा होने वाला है। इस तरीके की योजना है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लिए ये लाई गई।
अगर पूछा जाए किस मंत्रालय ने चलाई है तो मंत्रालय का नाम भी लिखो, गृह मंत्रालय की योजना है, गृह मंत्रालय की योजना है। अब इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न हेडिंग बना लीजिए, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। अवार्ड्स 2022, अवार्ड्स 2022। मेलबर्न तो पता ही होगा ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है। अब लिखेंगे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणजीत सिंह को, रणवीर सिंह को, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को। फिल्म तो पता ही होगा, देखी भी हो आपने होगी, 83, कपिल देव के उस पर बनी है, कप्तान कपिल देव जो हैं उनकी भूमिका पर है। इन्हें बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, और बेस्ट फिल्म में भी 83 को ही रखा गया है, बेस्ट फिल्म 83। लिखिए बेस्ट डायरेक्टर दो लोग हैं, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर। पहले हैं सुजीत सरकार, सुजीत सरकार। उधम सिंह की कहानी इतिहास में पढ़ी होगी, जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक बच्चा है, ठीक, जो जाकर जनरल डायर को वहां मार, लंदन में ही उनकी हत्या करेगा, वही सरदार उधम पर बनी हुई है, सुजीत सरकार को मिला है। दूसरा अपर्णा सेन को दारेपिस्ट मूवी पर मिला है, अपर्णा सेन, अपर्णा सेन। फिर बेस्ट सीरीज मुंबई डायरीज 26 या 26/11 करके लिख लीजिए, बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला है मुंबई डायरीज, मुंबई डायरीज 26/11, 26/11। द रेपिस्ट के डायरेक्टर के रूप में मिला है, द रेपिस्ट को डायरेक्ट करने के लिए, द रेपिस्ट, अपर्णा सेन को द रेपिस्ट के लिए मिला, द रेपिस्ट। दो हजार इक्कीस एक वन लाइनर न्यूज है, उसे लिख लिया। 2021 से भारत सरकार ने, 2021 इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो आपको पता है, 2021 से भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन, बी भीषिका स्मृति दिवस, स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है, आयोजित करने की घोषणा की है। अब देखिए क्यों इतना ज़्यादा इसे वो किया जा रहा, क्योंकि हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो ये डेटा मिलता है कि 15 मिलियन लोग उस समय ट्रांसफ़र हुए थे, 1 मिलियन में 10 लाख होता है,
इसका मतलब 150 लाख के करीब लोग ट्रांसफ़र हुए, ठीक है, एक स्थान मतलब भारत से पाकिस्तान की ओर आए, पाकिस्तान से भारत की ओर आए, और उसमें 1 मिलियन लोग की नरसंहार हो गया था, 1 मिलियन लोग मार दिए गए, मतलब 10 लाख लोग मारे गए, ठीक। ये तो केवल आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े हमेशा कम ही रहते हैं जितना भी होता है, ठीक है। फिर दूसरा बताया कि बहुत महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, बहुत से लोगों को बहुत सी विभिन्न प्रकार के अत्याचार हुए, ठीक। तो इसकी वजह से ऐसा माना जाता है जब देश का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ तब इस तरीके से एक्टिविटीज सामने आई, और आज भी भारत नहीं सुधर रहा है। आप देख ही रहे हैं कि अभी राजस्थान में जो घटित हुआ, या आज भी जाति धर्म क्षेत्र इनके आधार पर लोग बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। अगला एक न्यूज लिखेंगे छोटा सा, जी बताइए क्या छूट गया आपका। स्मृति दिवस, अच्छा विभाजन विभीषिका का मतलब है कि विभाजन इतना, विभीषिका मतलब होता है कि बहुत ख़राब या बहुत क्रूर टाइप का, ठीक है, वो मतलब इतना ऐसा था जिसे सोचकर भी डर लगता है, इस तरीके का, ठीक है। एक हेडिंग बना लो, गोल्डन जॉइंट, गोल्डन जॉइंट। देखिए चेनाब नदी पर हम दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना रहे हैं, ठीक है, और उसी में एक गोल्डन जॉइंट मतलब ऐसा जॉइंट, क्योंकि इस पुल की लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो अभी एक उन्होंने फाइनल नहीं की है कि कितनी लंबाई उसकी रखेंगे, ठीक। तो इसी वजह से पूछा गया है कि गोल्डन जॉइंट अभी हाल में ही कहां पर सफल हो गया, तो हम कहें चेनाब पर। तो लिखिए जम्मू कश्मीर के रिहासी ज़िले में चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल संपर्क के दो सिरों को जोड़ने के लिए जिस काम को पूरा किया गया है उसे गोल्डन जॉइंट कहा गया है, तो आपसे केवल इतने पूछा जाए किस नदी पर, तो हम बता देंगे इस नदी पर, ठीक। एक न्यूज है कि भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है जिसके पास अपना इंटरनेट है, जो यहाँ पर है केरल, उसका नाम उसने रखा है KOF, ठीक है, KOF मतलब गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा या बहुत इस तरीके का जॉइंट जो नुकसान नहीं पहुंचेगा, मतलब बहुत जल्दी टूटेगा नहीं, ठीक है, इस तरीके, क्योंकि देखिए वहां पर बहुत जोखिम भरा बनिहाल वाला एरिया, बहुत जोखिम भरा है, बहुत से पर्वत पहाड़ी है, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो उन्हें जोड़ना वहां पर बहुत कठिन है, तो उसे जब सफल कर लिया गया तो वो न्यूज बन गई, इसीलिए इसका एक नाम दे दिया है पर्टिकुलर उन्होंने, गोल्डन जॉइंट है ये, ठीक है। तो इसी की वजह से आपसे ये पूछा जा सकता है गोल्डन जॉइंट किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे चेनाब नदी पर जो रेलवे का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है उसी से संबंधित है गोल्डन जॉइंट, ठीक है। अगली न्यूज लिखेंगे केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बना। केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बना। देखिए केरल का टारगेट ये है कि जो डिजिटल गैप है, डिजिटल गैप का मतलब समझिए जैसे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो ये गांव में बहुत से लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, तो ये डिजिटल गैप हो गया, वो उसे डिजिटल गैप को कम करना चाहता है, इसलिए उसने अपनी इंटरनेट सेवा शुरू की है, उसका नाम उसने रखा है KFON, इसका नाम, इसका फुल फॉर्म है केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, ठीक है, KFON का फुल फॉर्म लिख लेना, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड, ठीक। अब जैसे मैं आपको बताऊं इसका क्या फ़ायदा होगा, समझिए यहाँ से, जैसे आपने यूपी में, अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी में देखना होगा कि एक बार ये घोषणा की गई थी कि कुछ साइट्स हैं वो प्रतिबंधित कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये हमारे यहाँ जो इंटरनेट को संस्था कंट्रोल करती है उसका नाम निक्सी है, निक्सी,
और ये मुंबई में है, जो पूरे भारत की इंटरनेट को कंट्रोल करती है सामान्यतः। अब केरल की जब अपनी इंटरनेट तक पहुँचे, अपना इंटरनेट हो गया है, तो वो उन वेबसाइट्स को भी कंट्रोल कर सकता है जो बाहर से आ रही हैं। तो यहाँ पर भारत किन वेबसाइट को कंट्रोल कर सकता था जो भारत से ही रेगुलेट हो रही हैं, उन्हें नहीं कंट्रोल कर सकता था जो बाहर से आ रही हैं उस तरीके की वेबसाइट को। तो इस वजह से जैसे आप देखते हैं फिल्म पर सेंसरशिप लगा दी जाती है कि ये फिल्म नहीं चलेगी उस तरीके से, लेकिन बहुत सी ऐसी वेब सीरीज़ होती हैं उन पर सेंसरशिप वो नहीं लगा पाते थे। इस तरीके से बहुत से कंट्रोल होते थे, लेकिन केरल में अगर वो अपना चाहेंगे तो हर उस चीज़ पर वो कंट्रोल कर सकते हैं जो इंटरनेट द्वारा स्प्रेड नहीं वो होने देना चाहते हैं। तो ये फ़ायदा है। इसी तरीके से जब हर स्टेट का अपना अपना इंटरनेट होगा तो हमारा कंप्लीट कंट्रोल होगा डिजिटल पर, क्योंकि आप देखते हैं आजकल डिजिटल से भी बहुत सी अफवाहें फैला दी जाती हैं, जिसका नाम आपने सुना होगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नाम से लोग कटाच करते हैं कि ऐसी ऐसी जानकारी देते हैं जिनका कोई ऐतिहासिक मतलब पुष्टि नहीं की जा सकती है, और जैसा चाहते हैं वैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए पहला राज्य ऐसा है जिसका अपना इंटरनेट है, जिसका नाम है केरल, उसका नाम है KFON। दूसरा लिखेंगे सिनी सेट्टी ने जीता, नाम हम इधर लिख रहे हैं सेट्टी ने जीता मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब। तो केवल यही पूछा जाएगा कि मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है, तो लिखाएंगे आप बताएंगे सिनी सेट्टी ने जीता है। ठीक है, 2021 की कभी कभी पीछे का पूछ लेते हैं, तो 2021 की जो विजेता थी वो मानसी थी, ठीक है, वाराणसी की रहने वाली थी। लिखना चाहो तो फ्रंट इनके बाद जो सिनी सेट्टी के बाद नाम रहा है वो रूवल शेखावत का रहा है, राजस्थान की रहने वाली हैं रूवल शेखावत, इसे फ्रंट रनर कहते हैं। मुझे लगता है केवल मिस इंडिया ही पूछा जाता है, ये फ्रंट रनर कभी पूछे नहीं गए हैं अभी तक। और इनका बहुत डिटेल दिया है, वो शादी आदि करने वाले लोग जाने, 21 साल इनकी उम्र है, भरतनाट्यम इस समय सीख रही हैं, ठीक है, और 4 साल की उम्र से ही कई नृत्यों में पारंगत हैं, इस तरीके कुछ डिटेल है इनका, उससे कोई लेना देना नहीं। हम लोग एक हेडिंग दूसरी बनाए, स्टेचू ऑफ पीस, देखिए हम दो बताते हैं, एक स्टेचू ऑफ पीस तो ये स्टेबल की गई है जम्मू कश्मीर में, किसके उस पर वो की गई है, श्री रामानुजाचार्य का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो, एक दार्शनिक रहे हैं स्वामी रामानुजाचार्य, ठीक है, इन्हीं के नाम पर हैदराबाद में इससे पहले प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था जिसका नाम था स्टेचू ऑफ इक्वालिटी। तो स्टेचू ऑफ पीस पूछा जाए, स्टेचू ऑफ इक्वालिटी पूछा जाए, ये दोनों श्री रामानुजाचार्य से रिलेट करते हैं, केवल इनके लोकेशंस चेंज है। स्टेचू ऑफ पीस पूछा जाए तो आप जम्मू कश्मीर बताएंगे, और स्टेचू ऑफ इक्वलिटी पूछा जाए तो आप बताएंगे हैदराबाद में है, मीन्स तेलंगाना में। और इसी तरीके के एक बहुत फेमस हुआ था स्टेचू ऑफ यूनिटी, वो कहाँ पर है और किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो लिख लीजिए स्टेचू ऑफ पीस, स्टेचू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर में है, किससे संबंधित है, लिखिए दार्शनिक और समाज सुधारक स्वामी रामानुजाचार्य से संबंधित है की प्रतिमा है, या तो दार्शनिक और समाज सुधारक स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, ठीक है। अब थोड़ा अंतर एक और लिखते हैं ना, स्टेचू ऑफ पीस का जो अनावरण किया है या उद्घाटन किया है वो गृहमंत्री ने किया है, गृहमंत्री जानते हैं अमित शाह आप लोग, ठीक, लेकिन स्टेचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण प्रधानमंत्री ने किया था, तो दूसरा आप लिख लेना यहीं पर नोट बनाकर, स्टेचू ऑफ इक्वालिटी
ये भी इन्हीं से रिलेटेड संबंधित है। श्री स्वामी या संत स्वामी जो भी लिखें, रामानुजाचार्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया था हैदराबाद में। रामानुजाचार्य के बारे में कुछ बातें लिख लीजिए, जैसे इनका जन्म जो है वो तमिलनाडु में श्री पेरम्बदूर में हुआ था। ये सामने लिखा है पेरम्बदूर, श्री पेरम्बदूर में हुआ था। और ये वैष्णववाद परंपरा को मानते थे, वैष्णववाद परंपरा। फिर एक और लिख लेना, इन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और सोच कर देखना 1017 के दौरान ये समाज में समानता और सामाजिक न्याय की वकालत कर रहे हैं। देखिए, समाज में समानता और सामाजिक न्याय की वकालत की, सामाजिक न्याय की वकालत की। ये पहले हिंदू संत हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए भी कहा कि आप भी संन्यास ले सकती हैं, ठीक है। नहीं तो पहले महिलाओं के लिए सामाजिक नियम ऐसा नहीं था कि वो संन्यास लें, ठीक। तो आप लिख लेना, ये पहले हिंदू संत हैं जिन्होंने महिलाओं के संन्यास की वकालत की। सिद्धांत कई होते हैं जो हिस्ट्री में आप पढ़ोगे। इनका जो सिद्धांत है या दर्शन है जिसे कहते हैं विशिष्टा दैत्यवाद, विशिष्टा दैत्यवाद। इनके मठ का नाम है यदुगिरी या यतिराज का मठ, यतिराज, यदुगिरी या यतिराज का मठ। यदुगिरी या यतिराज ये लिखा हुआ है, यदुगिरी या यतिराज, यदुगिरी या यतिराज मठ। लिख लिया सभी ने? अच्छा, 15 अगस्त को हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और किस देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाया जाता है, कोई बताएगा? बताइए। दक्षिण कोरिया लिख लेना, 15 अगस्त को ही होता है दक्षिण कोरिया का भी। अच्छा, आज तक सबसे अधिक बार तिरंगा लाल किले पर फहराने वाला प्रधानमंत्री कौन, ऐसा पीएम जिसने सर्वाधिक बार तिरंगा लाल किले पर फहराया हो? पार्टिसिपेट करिए, वैसे भी जी जवाहरलाल नेहरू हैं, 17 बार फहराया है। दूसरा कौन है जी? 16 बार इंदिरा गांधी का है, ठीक है। और फिर मनमोहन सिंह हैं, और इनका 9 बार हो चुका है जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस कॉमन सेंस वाले पूछ लेते हैं वो लोग।
वो इसलिए अंतर है, देखिए एक्चुअली क्या है, हमारे देश में जो है वो संसदीय शासन प्रणाली है। थोड़े इसे ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ आएगा कि क्यों तिरंगा 15 अगस्त को उन्हें दिया जाता है क्यों। और इसमें एक होता है नाम मात्र का अध्यक्ष, नाम मात्र का अध्यक्ष जिसे कहने के लिए हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं, हेड ऑफ स्टेट, ठीक, वो होता है हमारे यहाँ राष्ट्रपति। और वास्तविक जो होता है शासन शासक उसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री। और ये माना जाता है कि जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ है वो जनता को लीड किया और जनता का नेतृत्व करने के लिए, इसलिए 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस को जो है वो झंडा फहराने का अधिकार प्रधानमंत्री को दिया जाता है। और गणतंत्र का मतलब ही होता है कि हमारा राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वो वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होगा, इसलिए जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसे दिया जाता है 26 जनवरी को, ठीक। तो दोनों में अंतर है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष या हेड ऑफ स्टेट से रिलेट करता है, और जिस जहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहाँ दो हेड होते हैं, हेड ऑफ गवर्नेंस अलग होता है और हेड ऑफ स्टेट अलग होता है। हेड ऑफ स्टेट के लिए जैसे हमारे संविधान में कहने के लिए प्रधानमंत्री को कोई कार्य नहीं है, अगर पूछा जाए क्या संविधान में प्रधानमंत्री के लिए कोई कार्य लिखा गया तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन वो सभी वो काम करता है जो प्रेसिडेंट के लिए लिखे गए, वो सभी कामों को वो करता है। तो वास्तविक लीडर तो यही हो गया, इसलिए वास्तविक शासक प्रधानमंत्री को माना जाता है, लेकिन वो आधार इसे बना लेता है। इसलिए हम कहते जब पढ़ाते हैं तो राष्ट्रपति के लिए तीन शब्द बोलते हैं कि राष्ट्रपति तीन काम करता है, भोजन, भाषण और उद्घाटन, ठीक है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहीं तब इसमें से भी कुछ चीज़ें उन्होंने वंचित करवा दी थी, ठीक है। तो इसलिए कुछ चीज़ें आती हैं कभी कभी न्यूज में अगर आप पढ़ेंगे तो। तो कहने का मतलब यह है कि वास्तविक शासक जो है वो प्रधानमंत्री है, लेकिन हमारे संविधान में रियल में ऐसा लिखा गया है अगर राष्ट्रपति चाहें तो प्रधानमंत्री की कई पावर्स ऐसी हैं जिन्हें वो कर सकता है, लेकिन सामान्यतः हमारे यहाँ राष्ट्रपति वही लोग बनते हैं जो स्टैम्प के रूप में यूज जिन्हें किया जा सके ऐसा कहा जाता है, ठीक। केवल APJ अब्दुल कलाम के बारे में जिक्र किया जाता है कि उन्होंने स्टैम्प के रूप में कार्य नहीं किया, ठीक है। बाकी अधिकतम राष्ट्रपति और राजेंद्र प्रसाद के बारे में ऐसा कहा जाता है, लेकिन अधिकतम राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो स्टैम्प के रूप में कार्य किए, ठीक। चाहे अभी इससे पूर्व के राष्ट्रपति का नाम, इनका भी नाम इसी तरीके का जिक्र किया जा रहा है, और जो वर्तमान की राष्ट्रपति बनाई गई इन पर भी यही टिप्पणी की जा रही है कि कोई ठीक से काम की संभावनाएँ नहीं जताई जा रही, ठीक। पहली बात तो जो उसी राजनीतिक दल का अगर जब कभी बन जाता है राष्ट्रपति तो वो जस्टेबल या न्यायिक कार्य करेगा इसकी संभावना कम से कम हो जाती है। और 1997 से द्रौपदी मुर्मू BJP से जुड़ी हुई, इस तरीके की चीज़ें। आगे अगली न्यूज आप लिखें, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता में जून 2023 तक शुरू हो जाएगी। अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता में जून 2023 तक शुरू हो जाएगी। तो केवल यही पूछा जाएगा किस नदी पर है ये, और लिख लेना हुगली नदी पर ये स्टार्ट हो रही है, रिवर अगर हमसे पूछी जाती है तो हुगली नदी लिख लेना। हुगली नदी और सॉल्ट लेक है एक हावड़ा में, इन दोनों को जोड़ेगी। दो हैं, एक हुगली नदी एक सॉल्ट लेक। अगर वैसे पूछे अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहाँ चलेगी तो हुगली रिवर का कुछ पार्ट है और सॉल्ट लेक, इन दोनों को जॉइंट जोड़ेगी, ठीक है। एक फैक्ट और लिख लेना, क्रिप्टो करेंसी समझते हैं आप लोग, कोई बताए, पढ़ाया है मैंने कुछ लोगों को तो इसमें क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। अच्छा, हिंदी में आभासी मुद्रा कहते हैं, ठीक। अच्छा हाँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है।
मतलब ये है कि ये ऐसी मुद्रा होती है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है और इसे केवल डिजिटली ही यूज किया जा सकता है और डिजिटली ही उसका इसमें कोडिंग टाइप की होती है केवल, ठीक है। 21 मिलियन ही पूरे दुनिया के लिए डिजिटल मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी बनाई गई है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे जैसे समय गुजरेगा इसके मूल्य में हमेशा वृद्धि होगी। जैसे पहले हम लोग 20 रुपये में खेत खरीद लेते थे, अब 20 लाख में मिलता है। इसका मतलब रुपए की जो कीमत है वो निरंतर घट रही, जो मुद्रा ज़्यादा प्रिंट हो सकती है उसकी कीमत लगातार घटेगी। जैसे आप सप्लाई जहाँ ज़्यादा होती है तो आपको पता ही होगा कि उसका जो मूल्य होगा वो गिर जाता है, तो वही वाला सीन यहाँ पर है। लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होगा। फिर दूसरा, इस पर सरकारी नियंत्रण खत्म हो जाता है, किसी सरकार का नियंत्रण नहीं होता। जैसे अब यूक्रेन जैसे देश हैं, अब यूक्रेन में आपको पता है कि जब युद्ध लड़ रहा है तो इसके बाद इसकी करेंसी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी। तो यूरोप के लोग जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, सॉरी यूक्रेन के लोग जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। रूस युद्ध लड़ रहा है तो रूस के लोग क्रिप्टो करेंसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। कारण क्या है? क्योंकि उसकी इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेबिलिटी या स्वीकृति होती है, और हम लोगों की जो मुद्राएं हैं वो इस पर निर्भर करती हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कितनी एक्सेप्ट की जाएंगी। हमारे देश में अगर गुड्स और सर्विसेज बहुत अच्छी हैं तो हमारी करेंसी भी बहुत अच्छी मानी जाएगी। जैसे भारतीय करेंसी लोग कहते हैं निरंतर गिर रही है, तो इसके पीछे कारण बेसिक समझिए, वो बात अलग है। प्रधानमंत्री की आलोचना होनी चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने राजनीति इस पर बहुत की, लेकिन इनके ये दोषी नहीं है अगर वास्तविक कारण समझिए तो। क्यों दोषी नहीं है इसे आप समझें, क्योंकि करेंसी का प्राइस निर्भर करता है जो देश की गुड्स होती हैं उन पर वस्तुएं किस लेवल की उत्पादित हो रही और सर्विसेज किस लेवल की उत्पादित हो रही, और ये निर्भर करता है वहाँ के रहने वाले सिटीजन्स पर कि आप अगर गुड्स और सर्विसेज में इम्प्रूव कर देंगे तो अपने देश की करेंसी स्वतः ही इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन जब ये सत्ता में नहीं थे तब ये टारगेट करते थे, ठीक, और आप विपक्ष वाले लोग टारगेट कर रहे हैं। वो बात अलग है कि विपक्ष की बात उतनी लहजता से सुनी नहीं जा रही है। तो कुछ पॉइंट्स नोट करें, यूक्रेन क्रिप्टो करेंसी की सूची में टॉप पर है, दूसरे नंबर पर है रूस, और तीसरे पर है वेनेजुएला, भारत की जो रैंकिंग आई है इसमें 7th पोजीशन आई है, भारत क्रिप्टो करेंसी में 7th पोजीशन पर है, ठीक है। अब देखिए जी, हाँ एक्चुअली उसके पीछे समझ लो, हम लोगों को एक चीज़ और समझनी चाहिए। हम लोगों की जो सभ्यता है या देश है वो 10,000 वर्ष पुराना है, ठीक है। अमेरिका 300 वर्ष पुराना है, 300 वर्ष पूर्व वहाँ अगर देखोगे तो कोई नहीं रहता था, ठीक। फिर भी अमेरिका का मुद्रा आपको पता है अमेरिकन या यूएस डॉलर है। इसने इतना साइंस को बढ़ावा दिया है कि यहाँ की सर्विसेज और गुड्स इन सब में ये टॉप पर है। तो हर देश को जहाँ की गुड्स और सर्विसेज टॉप पर हैं उस देश से व्यापार करना है तो उसकी ही करेंसी जो होगी वो टॉप पर जाएगी, ठीक है। तो अमेरिका ने ये काम किया है जब से उसने अपने यहाँ 1773 से उसने क्रांति वगैरह 1776 से अपनी चीज़ों को ठीक से उसने स्टेबल कर लिया। 300-400 वर्षों में वो यहाँ पहुँच गया, केवल महज 300-400 वर्ष का ही उसका इतिहास है। तो ये चीज़ें हैं, और हम लोगों को सुधार करना है इन सब चीज़ों में कि हम लोग बेहतर गुड्स दें, बेहतर सर्विसेज दें, हमारी करेंसी अपने आप इमर्ज करेगी और डॉलर की जगह रुपया आ जाएगा। बस ये है, लिक्विडिटी क्या है, देखिए तरलता ऐसे आप समझ लीजिए, हाँ ऐसे आप समझिए, लिक्विडिटी क्या है पहले समझ लीजिए कि मनी का जो फ्लो है, पैसे का प्रवाह, वही तरलता या लिक्विडिटी कहलाता है, ठीक है। कैसे तरलता है, जैसे सपोज करिए अभी बैंक वाले ये कहते हैं कि हम 0.5% ब्याज पर आपको पैसा देंगे, तो आप कहेंगे इंटरेस्ट रेट तो बड़ी कम है। तो सब लोग मतलब या मैक्सिमम लोग जो व्यापारी वर्ग है वो यहाँ से पैसा उठाएगा और किसी उस पैसे को ट्रेड में लगा देगा, अपने व्यापार में लगा देगा, और जब व्यापार में लगाएगा तो लोगों को रोज़गार देगा, वो इनके पास भी पैसा आएगा। ये जो पैसा जाएंगे, जैसे आप सबको नौकरी मिली, नौकरी मिलने के बाद आप उस पैसे को लेकर मार्केट में जाते हैं। मार्केट में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको पता, आप किसी ने डिसाइड कर रखा है जब मेरी पहली सैलरी आएगी तो हम अपने घर वालों को ये दिलाएंगे, या किसी के छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, अब वो थोड़े चंचल टाइप के हैं, वो भी
कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बड़े वाले की नौकरी लग गई तो लग रहा है कि सैलरी अकाउंट उनके पास आ गया। तो इस तरीके से 50 तरीके की चीज़ें हैं। कहने का हमारा सीधा सीधा मतलब यह है, यहाँ पर अगर आप सोचें, जब आप पैसा पैदा करेंगे, आपको रोज़गार मिलेगा, उस पैसे को लेकर आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट में उस पैसे का फ्लो हो रहा है, इसी को कहते हैं तरलता। तरलता का मतलब केवल इतना है, या पैसे का बेग का मतलब इतना है कि एक जो पैसा, सपोज करो ये 100 रुपये का नोट है, दिन भर में ये कितने लोगों के हाथ से गया? अगर 10 लोगों के हाथ से गया, 10 लोगों के बाद ये 50 लोगों के हाथ से जाने लगे, तो आप कहेंगे तरलता बढ़ रही है या लिक्विडिटी बढ़ रही है। बात समझ रहे हैं? और दूसरी चीज़ है, इसकी मात्रा में भी लगातार वृद्धि हो रही हो, तो उसी को कहते हैं लिक्विडिटी। इसीलिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पढ़ाया जाता है, लैफ। इसमें आपको दो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं लैफ में, इकोनॉमी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। एक रेपो रेट पढ़ाई जाती है, एक रिवर्स रेपो रेट पढ़ाई जाती है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जैसे इसमें आपने पढ़ा होगा कि ये वो ब्याज दर होती है जो रेपो रेट होती है, इसमें बैंकें RBI से उधार पैसा लेती हैं, RBI इसमें उधार दे रहा होता है इसमें। और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, RBI भी कभी कभी इनसे लेता जाता है। जैसे कब लिक्विडिटी बढ़ती घटती है ये समझिए, GSEC नाम आपने सुना हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, जैसे हम आपको एक कागज़ पकड़ा दें और उस पर हमारा नाम इतना चल रहा है कि उस पर आपने केवल हमने सिग्नेचर कर दिया और उस पर 10,000 रुपये लिख दिया, तो इसका मतलब उसकी इतनी मान्यता है कि आपको 10,000 रुपये पे हो जाएगा। तो गवर्नमेंट भारत सरकार जो होती है उस पर पैसा लिख देती है कागज़ पर, और उस पर अपनी ऐसे मोहर लगा देती है, वो कागज़ आपको दे देती है और आपसे 10,000 रुपये ले लेती है। तो इसका मतलब उसने लिक्विडिटी कम कर दी, लेकिन फिर आप गए, आपने कागज़ लौटा दिया, वो पैसा ले लिया, और उस पैसे से आप ट्रिप पर गोवा चले गए, मनाली शिमला कहीं घूमने चले गए, या आपने 4-व्हीलर खरीद ली, इस तरीके काम कर दिया, तो आपने आके तरलता बढ़ा दी। यानी जब GSEC उसने बेची तब तरलता घटी है, और जब GSEC आपने बेच दी सरकार को तो तरलता बढ़ गई। नहीं देखिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो होते हैं वो एकदम अलग होते हैं, वो भारत सरकार के पास जाते हैं, लेकिन उनका बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और ये जो चीज़ें हम लोग जो सिंपल जैसे बैंक में जी, GSEC हमारे यहाँ जारी कई तरीके के होते हैं, ठीक है, लेता। हाँ देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियाँ लेती हैं, RBI लेती है, जो बैंकें हैं वो लेती हैं, जितने बड़े बड़े कारपोरेट हैं वो लेते हैं, क्योंकि GSEC सामान्यतः करोड़ में जारी किए जाते हैं, करोड़ के फैक्टर्स में, 1 करोड़, 5 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, इस तरीके से GSEC इशू होते हैं। अब 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये के GSEC नहीं इशू होते हैं, क्योंकि उन लोगों से पैसा कलेक्ट करके क्या फ़ायदा है, क्योंकि उनके पास आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ही पैसा नहीं है। इस टॉपिक को आपको तब डिटेल में समझ में आएगा जब आप मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे। हम इकोनॉमी में आपको पढ़ाएंगे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, उसमें यह भी बताया जाएगा कि कौन कौन इसका कस्टमर हो सकता है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे मनी मार्केट केवल एक वर्चुअल मार्केट है, इसका कहीं ऑफिस नहीं मिलेगा। कैपिटल मार्केट में जगह जगह ऑफिस खुले होंगे आपका, ठीक है, ठीक है। आगे लिख लीजिए टाइगर रेंज देश, टाइगर रेंज कंट्री या टाइगर रेंज देश। ये टाइगर रेंज कंट्री की मेजबानी इस बार भारत ने की है, और ठीक है, ये कहाँ 2022 में आयोजित होगी, तो आप लिखिए रूस में आयोजित होगी, रूस में 5 सितंबर 2022 को आयोजित की जाएगी। टाइगर रेंज कंट्री क्या है, इसमें 13 देश आते हैं जहाँ जहाँ टाइगर मिलते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा भारत में टाइगर खूब बढ़ रहे हैं, टाइगरों की संख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, इसलिए भारत को कई बार इस पर अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। जो 10 साल में कहा गया था, 2012 में एक लक्ष्य रखा गया था कि 10 साल में बढ़ाना, वो हमने 4 साल में ही टारगेट को कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। तो अब देखिए, जब कोई आप पर कटाक्ष करे कि नहीं भारत केवल जनसंख्या बढ़ाता है, कहना जनसंख्या में भी किनकी जनसंख्या, बाघ शेर, हालांकि शेर तो बचे नहीं, एशियाई शेर केवल बचे हैं, तो कहना बाघों की जनसंख्या बढ़ाता है। तो इस तरीके से आप लिख लीजिए, इसमें 13 देश आते हैं, कौन कौन से हैं उनके नाम लिख लीजिए। 13 देश हैं, भारत बांग्लादेश भूटान, कंबोडिया लाओस, फिर
पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड, वियतनाम, चीन, इंडोनेशिया, चीन और इंडोनेशिया काउंट कर लीजिए, देखिए 13 हैं। भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, लाओस, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड, वियतनाम, चीन, इंडोनेशिया। ठीक है, कल मैंने बताया था कि वेटलैंड भारत में कितनी हो गई, कोई बताएगा कितनी वेटलैंड हो गई भारत में? हैं 75 हो गई। ठीक है, तो अब हम आज कवर करा देते हैं कि कौन कौन सी 11 नई वेटलैंड शामिल हुई हैं। तो पहला स्टेट लिख लीजिए, 11 नई वेटलैंड की लिस्ट लिख लो, या इसे रटने की कोशिश मत करना, अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो सामान्यतः नंबर ही पूछे जाते हैं। तमिलनाडु की हेडिंग बना लीजिए, तमिलनाडु, बस हमारे हिसाब से लिस्ट ना बने, ये लिख लीजिए, तमिलनाडु में सर्वाधिक वेटलैंड हो गई हैं 14। फिर दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है जिसकी 10 हो गई हैं, उत्तर प्रदेश की 10 हो गई, बाकी नंबर 75 याद रखना। और कितनी तमिलनाडु टॉप पर हो गया है, यूपी 10, अभी इससे पहले यूपी टॉप पर था, ठीक है, इस बार तमिलनाडु की कई 4 तो नई मिलाई गई हैं अभी, ठीक है, और इससे पहले कुछ मिक्स की गई थी। दूसरा लिखिए, एक अगली वन लाइनर न्यूज ही है, एक महिला का नाम लिखे, उन्हें हेडिंग बना दिए मरीना, तबस्सुम, तबस्सुम, मरीना तबस्सुम, इन्हें मिला है एक अवार्ड, उसका नाम लिख लीजिएगा, लिस्बन ट्राइनेल मिलेनियम, लिस्बन ट्राइनेल मिलेनियम बीसीपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लिस्बन ट्राइनेल, ट्राइनेले मिलेनियम बीसीपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अब लिखिए, उत्तर भारत का सबसे बड़े मॉल हो गया है ये लुलू मॉल जो लखनऊ में है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल लुलू मॉल, ₹2000 करोड़ रुपए की लागत से बना है, बाकी इसमें सुन लो लिखना मत, 15 रेस्टोरेंट हैं, 25 आउटलेट हैं, 1600 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, 3000 वाहनों की पार्किंग की जा सकती है, 50,000 लोग एक साथ शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है,
नहीं, उत्तर भारत का ही रह गया, बदलता रहता है। अपने मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश का उद्घाटन किया है इसका, ठीक है। ठीक है, तो हम सैटरडे और संडे को डिटेल न्यूज़ आपको कराया करेंगे, जो कुछ कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। बाकी दिन इस तरीके की चीज़ें हम लेकर चलेंगे। बाकी अगर कुछ नया आप लोग न्यू चाहते हैं ऐड ऑन करने के लिए तो वो बताइए, हम कर रहे हैं। एडवाइस दे सकते हैं, सभी लोगों के एडवाइस चाहिए, क्योंकि कुछ लोग शांति से आते हैं और शांति से चले जाते हैं। बताइए कुछ नया चाहते हैं आप लोग, कुछ न्यू और ऐड किया जाए इसमें। आज का हो गया जी, अच्छा। अब जन्माष्टमी के बारे में इसमें कुछ लोग हैं जो काफ़ी धार्मिक टाइप के हैं, वो लोग ही वो करेंगे। नहीं ऐसा तो नहीं है, अच्छा हमें तो कोई जानकारी नहीं है क्यों कम किए गए। इसमें पता होगा कुछ लोगों को, बताइए आप लोग बंद किए गए हैं क्या, कि हम नाम ले लेके पूछें। अच्छा पता नहीं, अच्छा हमारा एक क्वेश्चन है, अच्छा बताइए कितने लोगों को अपने बर्थडे पर गर्व है, कि हमारा जन्म हुआ हमें इसलिए केवल गर्व है। अच्छा नाम ले लेके पूछें, बताइए मयंक गर्व है आपको, अच्छा किस बात के लिए, आपने जन्म लिया तो भारत का क्या भला हो गया। अच्छा हाँ कितने पेड़ लगाते हैं आप, अच्छा और एक साल में क्या आप एक पेड़ का भी नुकसान नहीं पहुंचाते होंगे, इतना कार्बन उत्सर्जित नहीं कर रहे हैं। फुटप्रिंट नहीं, वो तो देखिए गाड़ी से नहीं चलते हैं, ठीक है मानते हैं, ठीक। और बताएं दूसरे लोग किसका किसका हम नाम लें, और किसे गर्व है अपने जन्म होने पर। अच्छा बाकी कोई नहीं बोलेगा, अच्छा